കോവിഡ് കേസുകളിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച തുടങ്ങി. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് യോഗം. मतलब कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर उतने नहीं है और या तो एक्टिव नहीं है. देखिए टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर रही है. हम बहुत आसानी से डे टू डे चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. इसका हमें फायदा तो लेना है लेकिन उसमें उसके आधार पर हमें इम्प्रूवमेंट करना है. हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे मिशन मोड में काम करेंगे वेस्टेज भी कम होगा संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंत बढ़ेगा. मैं चाहता हूं कि इसको बल दिया जाए. साथ ही एक बात हमें ध्यान रखनी होगी क्योंकि ये वैक्सीन निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है और जितना जल्दी हम इससे बाहर निकले हमें निकलना है. अदरवाइज ये एक साल दो साल तीन साल तक खींचता चला जाएगा. एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट. हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो. अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी. और इसलिए मुझे लगता है कि अवॉइडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि ये लॉट हमारे पास जो है इसकी एक्सपायरी डेट ये है, हम सबसे पहले इसका उपयोग कर लेंगे. ये बहुत जरूरी है. और इन सभी बातों के साथ इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो मूलभूत कदम है, जैसा मैं कहता हूं दवाई भी और कड़ाई भी, मास्क पहनना है, दो गज की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन हो या सोशल हाइजीन पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा. ऐसे कई कदम जो पिछले एक साल से हम करते आए हैं फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है. फिर से इस बार आग्रह करने की जरूरत है. उसमें हमें कड़ाई करनी पड़े तो करनी चाहिए. जैसे हमारे कैप्टन साहब कह रहे थे कि हम कल से एक बड़ा कड़ाई करने का मूवमेंट चला रहे, अच्छी बात है. मुझे लगता है कि हम सबने इस दिशा में हिम्मत के साथ करना पड़ेगा. मुझे विश्वास है कि इन विषयों पर लोगों की जागरूकता बनाए रखने में हमको सफलता मिलेगी. കോവിഡ് കേസുകൾ വീണ്ടും വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് യോഗം. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും പങ്കെടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും അത്യാവശ്യ സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുക. ഇടവേള.